हाय गाइस, दिस इज अ रिमाइंडर वीडियो फॉर यू ऑल. जिनको भी लग रहा है, सी अभी क्या है कि आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट पेंडिंग है. इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा थी, तो बहुत लोगों का प्री निकला है, बहुत लोग तो मेंस देकर आए हैं, बहुत लोगों को अभी रिजल्ट का वेट है. ऑल दो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप जाके एग्जाम देकर आते हो, आपको समवेयर पता चल जाता है कि आपका होप सकता है कि नहीं, एटलीस्ट चांसेस है कि नहीं, आपको ये समझ में आ जाता है. और अभी बहुत लोग ऑफ सा फील कर रहे होंगे इस साल, अगर कई एग्जाम्स नहीं निकले हैं, ये लास्ट होप है जो एसबीआई क्लर्क का आपका बचा है. एंड अभी आप लोग को लग रहा होगा कि अब रिजल्ट आ दो, रिजल्ट के बाद देखेंगे, जो होगा होगा, नहीं होगा तो वापस मतलब बाद में रीस्टार्ट करेंगे. अभी शिवरात्रि चल रही है, फिर होली आ जाएगी, मार्च तो आप समझो आपका ऐसे ही निकल जाएगा. मार्च में आप थोड़ा ऑन ऑफ टाइप का फील करोगे. लेकिन आप फिर प्रैक्टिकली सोचो तो अगर आपको बैंक एग्जाम्स 2024 टारगेट करना है तो आपके पास कितना टाइम बचा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओनली 4 मंथ्स आपके पास बचे अगर हम मार्च हटा दे तो. अगस्त में आपका आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स शेड्यूल है, और उसके बाद तो प्री मेंस बैक टू बैक चीजें होती चली जाएंगी. इवन जून अराउंड में जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी पीओ का, तब से ही वो एक स्ट्रेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार नोटिफिकेशन आ गया है ना, वैकेंसी आ गई है, हम इतने रेडी हैं, इतने नहीं है. मतलब कि जो साल का बाद का जो 6 महीना होता है, उस टाइम तो एग्जाम से चल रहे होते हैं. आप एसबीआई पीओ जो लास्ट एग्जाम होता है, तब तक आपको चलते रहना है. आईबीपीएस क्लर्क आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आपको पूरे एग्जाम देने ये साल, ठीक है? अगर आप अभी से माइंड में क्लैरिटी लेके नहीं चलोगे कि आपको कब सिलेबस कवर करना है, कब आपको मॉक देने हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी जेन्युइन एस्पिरेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं या जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, वो ये टाइम पे ही पढ़ रहे होते हैं. जब अभी कोई नहीं पढ़ रहा होता, तब भी उनके माइंड में क्लैरिटी होती है कि हाँ ठीक है, 2023 में मैंने ये नहीं किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या ये मेरी वीकनेस रह गई, यहाँ यहाँ मुझे वर्क करने की जरूरत है. इस तरह की क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाती है वो लोगों के जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है. और अपने आपको वो इसी तरह 2000 मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि अपनी सारी वीकनेस वो कवर कर लेते हैं, अपने आपको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जो इस बार गलती थी वो इस साल ना रहे. वो डीमोटिवेट होके नहीं बैठते कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो प्री भी नहीं निकल रहा. अरे आपने जब सिलेबस कवर कर लिया है, आपने मॉक्स दे दिए हैं, कुछ तो आपके मार्क्स आ रहे होंगे ना, 50-60 परसेंटाइल ही सही आ तो रहे होंगे, कहीं तो लाई कर रहे होंगे आप, 50-60 परसेंटाइल में ही सही कहीं तो आप लाई कर रहे होंगे. आपको अपने आप को पुश कर करके 60 से 70 में आना है, 70 से 80 में आना है, और 80 से 90 में आना है. जब आप 90+ आने लग जाओ प्री में, मेंस में, हर मॉक्स में आप 90+ परसेंटाइल आने लग जाओ, समझ जाओ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. और एक पोर्शन है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आज के टाइम पे इतना इतना ज्यादा वास्ट हो गया है, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ना होता है बैंकिंग में, और उसमें ही आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. बट बात ये कि अब वो भी इतना डीप आने लगा है कि आउट ऑफ 40 लोग 10-15 नंबर के नहीं बना पाते. पहले 40 में 30-35 स्कोर किया करते थे और एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट बना लिए थे अपना करंट अफेयर्स को, बट अब 10-15 नंबर भी मुश्किल से स्कोर होते हैं. करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस अभी से करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाइल अप जो एंड में होता है वो करंट अफेयर्स ही होता है. जो आप बार बार याद करते हो, 3-4 बार रिवीजन ले लोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तब जाके वो आपको रिटेन करेगा. और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, भाई मॉक ड्रिल ले लो, ठीक है? आपके रियल टाइम मोड में उसमें मिलता है, मॉक ड्रिल ले लो, स्मार्ट पॉइंट्स मिलते हैं, काफी सही है आज के टाइम पे वो. और बार बार बैक टू बैक लगाते जाओ उसको, रियल टाइम में डाल डाल के लगाओ. आपको अप्रैल से करंट अफेयर्स कवर करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर में समवेयर आपका मेन्स होगा आरआरबी के एग्जाम का, और आप 5-6 महीने के करंट अफेयर्स में पूरा रेडी रहोगे. तो आपको अप्रैल से स्टार्ट कर देना है, और आप अभी से प्रैक्टिस डालो, तब जाके आपका करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की हैबिट बनेगी, डेली करने की हैबिट बनेगी. मॉक ड्रिल ले लो. और अभी आपका जो महाशिवरात्रि ऑफर भी चल रहा है स्मार्ट कीड़ा में, आपको फेस्ट24 कोड लगा के एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है? सो आप विजिट कर लेना. क्वांट रीजनिंग, क्वांट में जो डीआई का लेवल हो गया, बी इट क्लर्क और बी इट पीओ, इस बार अभी आपका एसबीआई क्लर्क में क्या पेपर था आपको पता है अच्छे से, राइट? क्या लेवल का पेपर आ रहा है. इवन प्रीलिम्स में भी लेवल इतना ऊपर कर दिया, तो मेंस का लेवल तो आप मतलब यू कांट इवन अज्यूम कि किस लेवल का मेंस आ रहा है. तो जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ क्वांट में डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वांट में अपने आप की स्किल बिल्ड करना, अपना कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करना, बेसिकली क्वांट में और रीजनिंग में भी. रीजनिंग में भी पजल्स बहुत एक्सट्रीम टफ लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि नहीं बन रहे. वहां जाके रीजनिंग सबका डुएबल सब्जेक्ट हुआ करता था, सबसे रीजनिंग बन जाया करती थी, बट अब रीजनिंग ही नहीं बन रही. एक एक पजल 15-20 मिनट आप एग्जाम में दे रहे हो, फिर भी नहीं बन रहा. तो इस लेवल की पजल्स हो गई हैं.
इंग्लिश आपका बैंकिंग में बहुत सही लेवल की इंग्लिश है, बहुत ही आपको कॉम्प्रिहेंशन आपका बिल्ड करना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। अगर आप वो बिल्ड नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है वोकैब ग्रामर ये सब पढ़ के आपका इंग्लिश निकल जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश पूरी अंडरस्टैंडिंग बेस हो गई है, और किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग आप विद टाइम बिल्ड करते हो, तो आपको इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से वर्क करना है। ये चार ही मेन सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट को मेन लीड लेके डेली के दो दो ढाई ढाई घंटे कभी आप क्वांट रीजनिंग अल्टरनेट में कर सकते हो कि आज क्वांट कर लिया तो कल रीजनिंग कर लिया, लेकिन इंग्लिश और जीए डेली करना है, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट स्किप नहीं किए जा सकते और ये दोनों सब्जेक्ट्स आपका गेम चेंजर हो जाते हैं। क्वांट रीजनिंग में लगभग सब लोग एक जैसा स्कोर कर रहे होते हैं, बट इंग्लिश में और जीए में जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर लिया वो लीड में रह जाता है, बिकॉज हर कोई से इंग्लिश और जीए नहीं हो पाती, हर किसी के बस की बात नहीं है बैंकिंग की इंग्लिश करना। और हाँ, कंप्यूटर आता है, आरआरबी के एग्जाम में आता है कंप्यूटर, आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता, बीट क्लर्क और पीओ। तो कंप्यूटर जो है आपका आरआरबी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आप जब आपका एग्जाम नियर होगा तभी आप एक आध पीडीएफ उठा के पढ़ सकते हो। कंप्यूटर का लेवल अभी तक कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है, तो कंप्यूटर की एक दो पीडीएफ आप एग्जाम टाइम ही कर लोगे तभी कवर हो जाएगा, अभी से उसका स्ट्रेस मत लो। बाकी जो चार सब्जेक्ट मैंने मेन बताए हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में अच्छे से फोकस करके चलो। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज आई नो कि अभी बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफ सा फील कर रहे हैं, एंड वो करना जायज है, मैं खुद भी वो फील किया करती थी। अभी तो मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे मुझे उसका उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन जब मैं एस्पिरेंट थी ये टाइम मैंने भी बहुत मुश्किल से निकाला था, जो भी आप लोग निकाल रहे हो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अभी आके बहुत लोग बोल जाते हैं कि गाइस पढ़ो, ये करो, वो करो, क्लासेस लो, सिलेबस कवर करो, नहीं होता, जेन्युइनली बोलूं तो नहीं हो पाता। और जब हम तभी जागते हैं जब एक्चुअल में टाइम पास आ रहा होता है ना, आप अप्रैल मई में या इवन जून में जाके आप फील करोगे कि यार अब टाइम कम है, अब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे फ्लो बनता है, कंसिस्टेंसी भी बनती बिगड़ती जाती है, कभी टूट जा रही है, कभी बन जा रही है, वैसा होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको अपने माइंड को रेडी करके मेंटली आपको इस चीज पे लगना पड़ेगा। आपका मन नहीं है फिर भी अपने आप को बैठाना पड़ेगा, एटलीस्ट दिन के चार पांच घंटे बैठो, कैसे भी खुद को पुश करो, और अगर अभी पुश करते रहोगे तो जाके आपको फाइनल रिजल्ट ये साल का मिलेगा। आपको अभी मैं बताऊं तो आपको अप्रैल मई तक मैक्सिमम आपको ये कर रहे हैं कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, एक भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में ना छूटे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, पहले ऐसा होता था कि लोग इवन अरिथमेटिक के तीन चार टॉपिक पढ़ के भी, तीन चार टॉपिक स्किप करके थोड़ा सा अरिथमेटिक कर लेते थे 50-60%, और बाकी का आपका डीआई हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें बना बना के एग्जाम क्रैक हो जाता था, इवन मेंस भी क्रैक हो जाता था, लेकिन अब वो टाइम रहा नहीं। अगर इतना ईजी होता तो हर कोई ही एग्जाम क्लियर कर लेता, जॉब ले लेता, राइट। अभी आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सबको पता है कि किस तरह मेहनत करनी, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और थोड़ी सी मेहनत से अब काम नहीं बन रहा, और आपको अब करनी बहुत सारी मेहनत, आपको हर चीज कवर करके चलना है ताकि कॉम्पिटिशन में कहीं भी आप पीछे ना छूटो। आइडियली आपका मई तक, मैक्सिमम आपका मई तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ताकि आप उसके बाद में मॉक्स में ध्यान दे सको। आपको सेल्फ स्टडी, जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो आपको बाद में ताकि जाके सेल्फ स्टडी के लिए ना बहुत सारा टाइम मिले, आपको ये ध्यान रखना है। जून जुलाई आप पूरा मॉक्स लगाते रहोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, वीकनेस पे वर्क करोगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आप मोटिवेट हो गए हो, और आपको जो जो गलती आप कर रहे हो अभी आपको कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो में, एंड तक आए हो तो कुछ तो सीख के जा रहे होगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रही हूं, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में भी, और वहां पे आपको कुछ कुछ अपडेट्स और चीजें मिल जाएंगी। और विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बिलो। थैंक यू।